compliments, right? You said? Yeah. Best compliment. I think I got for my dance, yeah. बहुत टाइम बाद somebody's come and said कि ऐसे moves आपने कहाँ से सीखे और मुझे honestly नहीं पता था कि मैं ये कर सकती हूँ but मैंने किया है so I think एक जो एक नया आके feedback मिला है मुझे about the moves I've done I will take that as the best compliment. यार म्यूज़िक ना एक फिल्म का बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है एंड आई फील कि हम हमारी पिक्चर का म्यूज़िक इतना अच्छा था कि उससे हमें और ज़्यादा रिस्पॉन्स फुटफॉल इंटरेस्ट क्यूरोसिटी बज क्रिएट हुई तो आई विल डेफिनेटली से द सॉन्ग्स हैड अ वेरी बिग हैंड टू प्ले इन इट बट इवेंचुअली कहानी अच्छी थी यार मतलब कहानी के बिना आई गेस वो हम गाने जो हाई पॉइंट अचीव भी होता ना वो फिर ड्रॉप हो जाता बट अब ये थर्ड फोर्थ वीक मतलब चलती जा रही है एंड द फिल्म इज़ नॉट ड्रॉपिंग इन बिजनेस Which only goes to say that the product was really that good. So, I don't know whether you want to expect it or not. I want it for sure. So, I am waiting. I have a creative which I already thought of. कि जब 100 cross कर लेगी तब मैं वो post करूँगी. So, I am very ambitious. Of course, बननी चाहिए. क्यों नहीं बननी चाहिए? But ये मैं थोड़ी बनाऊँगी. अब जो sir है, वो ही बताएँगे कि क्या हो रहा है. But अगर बनी तो Yeah, I know. I heard that it's become a super duper hit in Pakistan as well, and it's making a lot of money overseas as well. So I'm really glad. Yeah, Dubai also. Yeah, so I'm really glad that we have that sort of reach now globally. Where did he not come in already? I thought I was late. Kartik, sorry, I'm not late. Yes, I'm breaking one more stereotype as a girl. अब नेक्स्ट सिर्फ कार्तिक पे खत्म आगे विद यार आई वुड लव टू डू फिल्म्स विद एवरीबडी कार्तिक सनी लव सर एवरीबडी तो द मोर द मेरियर फॉर मी आई लव देम ऑल हाँ नेगेटिव नहीं सर मैं अब मैंने एक टर्म कॉइन किया है और अब मेरा टर्म चलेगा क्योंकि पिक्चर हिट हो गई इट्स कॉल्ड एंटी हीरो सो आई वुड बी द एंटी हीरो एनी डे At least in a Luv Ranjan film, because बाकी तो लड़के ही होते हैं तो क्या करूँ आने वाले समय में यार मैं जो भी करूँगी बहुत सोच समझ के करूँगी क्योंकि इस टीम के साथ तो मज़े बहुत आते तो हम ये प्रोडक्ट करते रहते हैं बट अगर कुछ नया इंटरेस्टिंग नहीं हुआ तो शायद मैं थोड़ा रुक के चूज़ करूँ कि मैं क्या करूँगी बट देखते हैं आई एम ऑल्सो वेटिंग कि क्या आता है ऑलराइट जाओ हाँ जी अब पार्टी हमारी हम कभी भी आ जाएंगे आपके लिए ऑलराइट सी यू बाय सोनु के टीटू की स्वीटी बहुत मज़ेदार फिल्म है मैंने आज ही देखी है और मुझे बेहद पसंद आई दोनों दोस्तों की कैमरेडरी कमाल थी एंड यू नो लव रंजन साहब ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई जी बल आधी बनी हुई है अभी आधी कंप्लीट करेंगे हम लोग नेक्स्ट मंथ अगली बात करेंगे इस पर डिस्कस ओ चल कुड़िए नी चल हो तैयार देसी दारू इंग्लिश बार चल कुड़िए नी चल हो तैयार देसी दारू इंग्लिश बार छोटे छोटे पैग नी ड्राइवर छोटे छोटे पैग मार छोटे छोटे पैग मार बे भी छोटे छोटे पैग मार थैंक यू सो मच सर हाँ तो सिंगर लव यू आप लगे रहो थैंक यू
जी जी क्रेडिट मेरे उस्ताद जी के चरणों में है, उनकी वजह से मैंने मुझे गाने मिले हैं और आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑलमाइटी। I'm so happy you guys are happy. You know, I'm glad you like, you're liking my songs and God's been so kind to me. Thank you. Your another song is going to success, Bagi 2. Bagi 2, yes, it's doing as well. You want me to sing that as well? Okay. ओ नीवी नीवी आंखों को झुका के रख ले, गोरे गोरे गालों को छुपा के रख ले, ऐवें करी ना किसे दे नाल प्यार, मुंडियां तो बच के रही, नी तू हुणे हुणे होई मुटियार, मुंडियां तो बच के रही। थैंक यू, लव यू। हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी हेयर। एक मैं स्नैपचैट बनाना तुहाडे सारिआं दी, ठीक है? तुसीं गाना गाउणा छोटे छोटे पैक, ठीक है? चल कुड़िए नी चल हो तैयार, देसी दारू इंग्लिश बार, छोटे छोटे पैग मार बेबी, छोटे छोटे पैग मार, छोटे छोटे पैग मार बेबी छोटे। मैं सारी जिंदगी मीडिया लिखा, आज मीडिया मेरे लिखा रहा है। आई एम सो हैप्पी, लव यू गाइस, लव यू। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, एक्साइटमेंट है। जितने रिस्पॉन्स आए हैं, जितने मैसेजेस आए हैं, जितने ट्वीट्स आए हैं, डीएम्स आए हैं, बहुत खुशी है। आई मीन रिएक्शन इतना अच्छा हुआ है फिल्म का, इतना प्रशंसा है कैरेक्टर्स की सबकी, एंड आई एम रियली हैप्पी। मतलब मैं शुरू में थोड़ा सा बहुत वो था कि हेजिटेंट था कि कहीं थिन लाइन थी, कहीं नेगेटिव ना लग जाए, कैरेक्टर ग्रे शेड था, बहुत मैनिपुलेटिव चीज़ें भी कर रहा था सोनू, बट इट ऑल वर्कड आउट यार, एंड आई एम रियली हैप्पी जिस तरीके से रिस्पॉन्स आया। अब तक का सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई थिंक लव रंजन सर के पापा ने मुझे दिया था। उन्होंने लास्ट सीन जो फिल्म में है जिसमें मेरा एक आंसू निकलता है, तो उन्होंने मुझे बोला था कि ये जो एक आंसू तुम्हारा निकला है ना, वो मोती की तरह दिलों को छुएगा सबके, तो उस मोती को संभाल के रखना। तो कार्तिक, पहले जो जिस तरह से आपको पिक्चरें आई हैं और जी, ये पिक्चर आई है, काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है जी, दोनों पिक्चरों में जी। तो ये जो सक्सेस था आपकी करियर के लिए बहुत ज़रूरी था? बहुत ज़रूरी था यार, मतलब आई थिंक बॉक्स ऑफिस रिजल्ट, क्रिटिकल अक्लेम, थैंकफुली हमेशा रिव्यूअर्स मेरी तरफ उन्होंने हमेशा काम की तारीफ की है, ऑडियंस ने भी किया है, बट बॉक्स ऑफिस नंबर बहुत ज़रूरी है एक एक्टर की लाइफ में, जो इस फिल्म से मेरे को मिला है, सोनू के टीटू की स्वीटी से, एंड आई एम रियली हैप्पी कि लोग अभी वो एक बैंकेबल एक्टर की तरह देखते हैं मुझे। जी जी, आई थिंक मैं एक फिल्म बहुत सारी फिल्में ऐसी, लेकिन अगर एक फिल्म ऐसा कहना चाहूँ तो बर्फी एक फिल्म थी जिसको देख के ऐसा लगा था कि वो कैरेक्टर प्ले करने में बहुत मज़ा आता, एंड नो डाउट रणबीर कपूर ने तो उन्होंने बहुत ही अच्छी हमेशा से एक्टिंग अच्छी की है, बट एक कैरेक्टर अगर ऐसे पूछना चाहे तो वो बर्फी का रोल होगा। जी, रियल में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, गिनती के मतलब दोस्त हैं, बहुत सारे नहीं बोलूँगा, जिसमें मैं किसी का टीटू भी हूँ और दूसरे का सोनू भी हूँ, तो एक से मैं सिचुएशन में हेल्प मांगता हूँ, एक से मैं हेल्प देता हूँ एक को, तो वैसा रहा है मेरे साथ, बट इस एक्सटेंट तक मैं कभी गया नहीं हूँ, बट आई एम श्योर अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होगी तो मैं भी अपने दोस्त को एक ख़राब मैरिज से बचाने की कोशिश करूँगा। अजय सर के साथ, सॉरी क्या क्वेश्चन था? जी, कोई भी अनाउंसमेंट जो मेरे होंगे वो जल्दी ही होंगे, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मतलब शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि क्या मेरी अगली फिल्म होने वाली है, बट राइट नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग सक्सेस ऑफ सोनू के टीटू की स्वीटी, एंड आई कांट कमेंट ऑन एनीथिंग राइट नाउ,
ये मैं पार्टी करूँगा उसके बाद फिर बताता हूँ आपको। ऑफ कोर्स मतलब मैं ये टीम के साथ बहुत एक लगाव सा हो गया सबके साथ काम करने का एंड होपफुली इन फ्यूचर भी काम करने का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली साथ में काम करेंगे। मेड इट वाले ब्रैकेट में आई हैव मेड इट आई हैव अराइव्ड सर मतलब वो ऑडियंस का और इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है वो जवाब तो आई थिंक आई एम मतलब मैं खुद उस चीज़ को जज नहीं कर सकता बट आई एम रियली हाँ मैं फील ये कर रहा हूँ कि ऑडियंस से क्रिटिक्स से एंड सभी से मतलब आप सबसे या इंडस्ट्री से मेरे को जो जिस तरीके का रिस्पॉन्स आया है मैसेजेस आए हैं आई थिंक जिन लोगों के साथ मैं काम करने की इच्छा रखता था शुरू से उन लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एंड ऐसे ही होपफुली आगे भी फिल्में करना चाहूँगा तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं खुद से मुँह से बोलूँ कि आई हैव अराइव्ड है ये सारी चीज़ें बट आई एम रियली हैप्पी विद द सक्सेस सिक्स सर आई थिंक दे आर वेरी नेचुरल एक्टर्स रणवीर सिंह एंड रणबीर कपूर स्पेशली मतलब बहुत नेचुरल है वरुण धवन मासी हीरो एकदम ही बट इस ब्रैकेट में आने के लिए भी मतलब उन्होंने बहुत सारी फिल्में ऐसी दी हैं जो बहुत बड़ी हिट रही हैं एंड ठीक है सोनू के टीटू की स्वीटी की एक सक्सेस है बट ये मेरे को और ज़्यादा ऐसी सक्सेस इसके बाद भी चाहिए बट ये एक चीज़ अच्छी है कि जो कंपेरिजन्स हो रहे हैं उसमें अच्छे एक्टर्स के साथ नाम जोड़ा जा रहा है मेरा भी सो आई एम रियली हैप्पी विद दैट जी ऐसे ही हूँ मैं आपका कार्तिक ऐसे ही है जी इन्होंने मैं बताता हूँ पार्टी पहले रख ली मैं अपनी एक्चुअली मेरी मम्मी यहाँ पे आ रही थी और उनकी मतलब वो थोड़ी डिले हो गई आने से हेलो ऐसे ठीक है तो सो हाँ मैं इसलिए थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ अगर मैं लेट हुआ हूँ थोड़ा सा मैं वेट कर रहा था मैं अपनी मम्मी को पिक करने गया था सक्सेस पार्टी के लिए एंड बस उसके लिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया पर आप लोग ने शायद खाना खा लिया होगा अरे सो सॉरी यार आई एम रियली हैप्पी कि वर्ल्ड वाइड भी सक्सेस फिल्म को बहुत मिल रही है मतलब हर कॉर्नर से फिल्म को इतना प्यार मिल रहा है चाहे वो इंडिया में हो बाहर हो इनफैक्ट कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे मतलब शोज़ अलग से लगवाए गए हैं जहाँ पे रिलीज़ नहीं हुई थी फिल्म तो वो बहुत एक बड़ी बात है और सक्सेस वाली बात होती है एक फिल्म के लिए सो आई एम रियली हैप्पी कि ऐसा वर्ल्ड वाइड एक रिकग्निशन मिल रहा है फिल्म को और आई एम जस्ट हैप्पी यार आई एम इन अ वेरी हैप्पी स्पेस एंड आई वॉन्ट टू कंटिन्यू सेलिब्रेटिंग सक्सेस टेबल हटा दें थोड़ा खुशी दिखाइए ना चेहरे पे ऐसा मतलब अच्छा चुटकुला बनाया बीच में आ गए बीच में आएगी
सारे सिंक में हंसी है सर, आप लोग अलग अलग हंस रहे हैं, सिंक में हंसी है, 1 2 3 हंसी है। हाय, आप लोग को करने दो यार थोड़ा काम। भाई आप साइड हो जाओ। यस सर, अपनी खुद की मूवी, मैंने तो मूवी करी है तो मुझे जब स्क्रिप्ट ही सुना था तब से ही पसंद थी, तो आई थिंक सो आई वाज वेटिंग, रिस्पांस इतना अच्छा आया, वी वर होपिंग कि अच्छा होगा, बट दिस काइंड ऑफ रिस्पांस वी नेवर एक्सपेक्टेड, सो वी रियली रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीबडी हुज एवरीबडी हुज सीन द मूवी, लव द मूवी, सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। इनफैक्ट मुझे पीकीपी दोनों में इतना रिस्पांस नहीं आया जितना मुझे इस मूवी में आया है, और बेस्ट कॉम्प्लीमेंट ये था दैट माय कैरेक्टर दैट आई यू नो एक्सप्रेशन क्वीन एंड सारे शेड्स ऑफ कैरेक्टर मैंने इस किरदार में निभाए, सो आई वाज वेरी हैप्पी। व्हाट नेक्स्ट, आई हैव साइंड अ फिल्म, आई कांट टॉक अबाउट इट येट, लेकिन आई होप यू विल हियर फ्रॉम इट सून। अबाउट व्हाट? बट द फिल्म, फिल्म तो आप सबने देखी है, आपको पता ही है कैसी है। अच्छा दूसरी अभी मुझे बोला है कि अभी ना बोलूं, लेकिन वो आ ही जाएगा बाहर। कैरेक्टर जैसे मैंने अभी तक से निभाया उसे बहुत अलग है। अगेन अभी पता चल ही जाएगा आपको। थाम्बा, पता चल जाएगा। मैं सब कुछ स्क्रिप्ट बता दूं, स्टोरी बता दूं क्या? थैंक यू। यू वांट टू डू पिक्चर्स? कैसे हो भाई?
ऑफ कोर्स मैंने मूवी देखी। अरे बहुत अच्छी मूवी लगी, मतलब हम पंजाब वाले हैं, हम मतलब हमारे तो रगों में वो चीज़ है जो इस फिल्म में दिखाई गई है। बट ऑन अ सीरियस नोट आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म एंड ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स एंड इट्स जस्ट हेलो। और ये कितने अच्छे हैं फिल्म में, इन्होंने बहुत अच्छे से मैं इसलिए आई हूं क्योंकि वो तारीफ करेगा वरना नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं करता। नहीं नहीं ऑफ कोर्स नहीं नहीं, बट बहुत अच्छी फिल्म है यार। मैं इनफैक्ट बताना चाहूंगा, चली जाऊंगी। अरे नहीं, समथिंग अबाउट मी फास्ट पे जा रही हूं। नो नो, यू आर वेरी गुड इन द फिल्म, एब्सोल्युटली, थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। बट यार सो वेयर वाज आई, मैंने चंडीगढ़ में फिल्म देखी थी, वी वर शूटिंग देयर एंड आई वेंट ऑन अ 5 o'clock शो एंड इट वाज फुल एंड द ऑडियंस वर लाइक रियली हूटिंग एंड क्लैपिंग व्हिच वाज सच अ गुड साइट टू सी बिकॉज सोनू की, टीटू की, स्वीटी जैसी फिल्में, हमारी फुकरे, इन जैसी फिल्मों को जो रिस्पॉन्स मिलता है इट्स सो ओवरवेलमिंग टू सी द ऑडियंस रिस्पॉन्स लाइक दैट एंड इट्स जस्ट अमेजिंग टू सी द नंबर्स दैट दीज फिल्म आर डूइंग। सो upcoming projects, there's a film that we've completed, it's in post production right now, which is called Friday, which has Govinda sir and me in it, that comes out mid this year. And currently I'm shooting for Arjun Patiala, which is Dinesh Vijayan ji's and TC's film, directed by Rohit Jugraj, and has Diljit Dosanjh, Kriti Sanon and me in it. So I'm very very excited for that, and that's in process of shooting right now. Thank you. Thank you. మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్.